वेलकम टू द चैनल बायो क्लासेस। बायो क्लासेस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ये वीडियो क्लास नाइन्थ के बायो पोर्शन का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ टिश्यू, उसके लिए बनाया गया है। और इस वीडियो में इसके दो लेक्चर्स होंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और सेकेंड लेक्चर में हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखने के बाद उसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। आपको अच्छा लगे तो बाकी फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं दैट टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू जो हमारी बॉडी सेल्स हैं, जब एक साथ मिल करके कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं उसी को हम टिश्यू कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सेम फंक्शन। जैसे कि अगर हम कहें कि माउथ में बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स हैं लेकिन सबका फंक्शन एक है। स्टमक है, स्टमक में कई टिश्यूज़ होंगे। कुछ टिश्यूज़ होंगे जो गॉबलेट सेल्स होंगी, जो सिक्रीट करेंगी एंजाइम, सिक्रीट करेंगी HCl, सिक्रीट करेंगी। तो ये डिफरेंट टिश्यूज़, डिफरेंट सेल्स का कॉम्बिनेशन का ग्रुप जो एक फंक्शन को करता है और जिनका ओरिजिन भी एक होता है, उनको हम क्या कहते हैं? टिश्यू। ठीक है, तो ब्रॉडली इसको टू कैटेगरीज में बांटा जा सकता है टिश्यू। इस लेक्चर में हम प्लांट टिश्यू के बारे में बात करेंगे। प्लांट में के जो फंक्शंस होते हैं वो एनिमल के फंक्शन से बहुत अलग होते हैं। प्लांट में जो प्रोसेसेस होते हैं वो एनिमल के प्रोसेसेस से पूरी तरह डिफरेंट होते हैं, इसलिए इनके टिश्यूज़ भी एनिमल टिश्यूज़ से अलग होते हैं। उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, एनिमल का स्ट्रक्चर अलग होता है, इसलिए इनके टिश्यूज़ भी एनिमल टिश्यू से बिल्कुल अलग होते हैं। अगर हम इसको फ्लो चार्ट से देखें कि इसके कितने टाइप्स हैं, तो इस तरह से देखा जा सकता है। प्लांट टिश्यू को टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मेरिस्टमैटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टमैटिक टिश्यू वो टिश्यूज़ होते हैं उस टिश्यू में जिनकी सेल्स लगातार सेल डिवीजन करती हैं, उनको हम कहते हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यू। और उनकी सेल्स को क्या कहेंगे? मेरिस्टमैटिक सेल्स, जिनमें लगातार सेल डिवीजन होता है। परमानेंट टिश्यूज़, परमानेंट टिश्यूज़ क्या होती हैं? मैच्योर टिश्यूज़, मैच्योर सेल्स वो होती हैं परमानेंट टिश्यूज़। ये मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़ जब अर्ली एज होती है, जर्मिनेशन वाला टाइम होता है, उस टाइम पे सारी सेल्स मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़ होती हैं, मेरिस्टमैटिक सेल्स होती हैं। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो कि मैच्योर हो जाती हैं और फर्दर उनमें डिविजन नहीं होता है। ऐसी सेल्स को हम परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं, जिनमें सेल डिविजन की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, उसको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है सिंपल और कॉम्प्लेक्स में। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ वो होंगी, वो टिश्यूज़ जिसमें सारे सेल्स एक जैसे हों, उनको हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में वो टिश्यू जो कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर बनी होती हैं, एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर बनी होती हैं, उनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में भी थ्री हैं, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड किया गया है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में वैस्कुलर बंडल की टिश्यूज़ आती हैं। वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम के जो टिश्यूज़ होते हैं उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। जाइलम में फोर टाइप्स की, जाइलम टिश्यू में फोर टाइप्स की सेल्स होती हैं, जाइलम वेसल, ट्रैकीट, पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। इसमें एक टाइप की सेल नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फ्लोएम में भी फोर टाइप्स की सेल्स होती हैं, जैसे उसमें सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स, इसलिए इन दोनों को कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ कहा जाता है। इस तरह बांटा गया है मेरिस्टमैटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टमैटिक टिश्यू, जैसे बताया गया कि इसमें सेल डिविजन होता है कॉन्टिन्यूस, इस वजह से ये सेल्स, ये टिश्यूज़ जो होते हैं वो पार्ट लेते हैं प्लांट की ग्रोथ में, और एक स्टेज के बाद ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं, मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यूज़ में। ये टिश्यूज़, लेकिन प्लांट की ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता है? एनिमल ग्रोथ एक सर्टेन एज के बाद स्टॉप हो जाती है, उसकी हाइट नहीं बढ़ती है, लेकिन एनिमल्स में
प्लांट्स की हाइट लगातार बढ़ती रहती है क्योंकि इसकी कुछ सेल्स जो होती हैं वो हमेशा मेरिस्टमैटिक होती हैं, जो परमानेंट में चेंज नहीं होती हैं, जिनको हम मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़ कहते हैं। ये प्लांट के स्पेसिफिक रीजन्स में पाई जाती हैं दिस, और ये इम्पार्ट करती हैं प्लांट की ग्रोथ में। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? अगर इनकी सेल्स देखी जाएँ, मेरिस्टमैटिक टिश्यू की सेल्स देखी जाएँ, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये सेल्स जो होती हैं, ये क्योंकि ये लगातार डिवाइड करती हैं, इसलिए सेल वॉल फॉर्मेशन का इन्हें टाइम नहीं मिलता है। सेल वॉल अगर प्रेजेंट होती है तो बहुत पतली होती है और केवल सेल्यूलोज की बनी होती है। ये सेल्स का शेप कुछ भी हो सकता है, राउंड, ओवल, पॉलीगोनल, रेक्टेंगुलर, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में किस पार्ट में प्रेजेंट है इस पे रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है। जनरली ये सेल्स छोटी होती हैं क्योंकि इसमें लगातार डिवीजन हो रहा है, इसमें ग्रोथ होने का टाइम नहीं मिलता है, सेल वॉल फॉर्मेशन का टाइम नहीं मिलता है। और ये सेल्स कॉम्पैक्ट होती हैं। कॉम्पैक्ट होती हैं से क्या मतलब है कि दो सेल्स के बीच में स्पेस नहीं होता, अगर होता है तो बहुत कम होता है। इनका न्यूक्लियस बड़ा होता है क्योंकि ये एक्टिव सेल्स हैं, इनका न्यूक्लियस बड़ा होता है, सेंटर में होता है, और इसमें वैक्यूल्स नहीं होते हैं, या अगर होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, जनरली नहीं होते हैं। क्योंकि वैक्यूल्स का काम क्या है? वैक्यूल्स का काम है स्टोर करना, फूड को स्टोर करना, वाटर को स्टोर करना। क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस डिवाइड हो रही है तो उनको स्टोरेज का टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। अब कहाँ पाए जाते हैं? इसके बेसिस पे इनको थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटर कैलरी मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम जो एपिक्स रीजन में पाए जाएंगे। एपिक्स रीजन कौन सा होगा? जो शूट का, मेन शूट का एपिक्स पोर्शन, टिप पोर्शन, रूट, मेन रूट का टिप पोर्शन, या फिर उनके ब्रांचेस का टिप पोर्शन, स्टेम के ब्रांचेस का टिप पोर्शन, या मेन स्टेम का टिप पोर्शन, मेन रूट या उसके ब्रांचेस, जो रूट की ब्रांचेस हैं उसका टिप पोर्शन, ये लगातार बढ़ता है जिसके वजह से प्लांट की लीनियर ग्रोथ होती है। तो इसमें जो सेल्स होती हैं वो किसकी होती हैं? एपिकल मेरिस्टम की। दूसरा है इंटर कैलरी मेरिस्टम। इंटर कैलरी मेरिस्टम जहाँ से मेन ब्रांच से, मेन स्टेम से जहाँ से ब्रांचेस अराइज होती हैं, उस रीजन को हम कहते हैं नोड्स। ठीक है, जहाँ से ब्रांचेस अराइज होती हैं उसको हम कहते हैं नोड्स। इन नोड्स रीजन के बेस पे ये मेरिस्टम प्रेजेंट होता है, इंटर कैलरी मेरिस्टम। और दो नोड्स के बीच में, एक ब्रांच नीचे है एक ब्रांच ऊपर है, ठीक है, तो उनके बीच का जो रीजन होता है, जो लेंथ होती है, उसको हम कहते हैं इंटर नोड। तो इसकी वजह से, इस इंटर कैलरी मेरिस्टम की वजह से इंटर नोड की लेंथ बढ़ती है। दो ब्रांचेस जहाँ से निकल रही हैं स्टेम रीजन से, उनके बीच की जो हाइट है वो बड़ी होती है, किसकी वजह से? इंटर कैलरी मेरिस्टम से। तो ये भी प्लांट की ग्रोथ में पार्ट लेता है। थर्ड है लैटरल मेरिस्टम। लैटरल मेरिस्टम साइड्स में पाई जाती हैं, प्लांट बॉडी के स्टेम या रूट के साइड्स में पाई जाती हैं, और ये बार्क पोर्शन, स्टेम का जो बार्क पोर्शन होता है, जो बाहर का ब्राउन रीजन जो होता है, छिलका जो ब्राउन होता है, उसके नीचे कॉर्क कैम्बियम होता है, जिसके वजह से ये कॉर्क कैम्बियम जो है, ये क्या है? लैटरल मेरिस्टम है। इसके वजह से प्लांट मोटाई में बढ़ता है, मतलब उसकी विड्थ या डायमीटर बढ़ता है। तो लैटरल मेरिस्टम की वजह से प्लांट की गर्थ बढ़ती है, और एपिकल और इंटर कैलरी मेरिस्टम से प्लांट की हाइट बढ़ती है। तो इनके पोजीशन के टिश्यूज को थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट इज परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू ये अराइज होते हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यू से, वो टिश्यूज जिनकी कैपेबिलिटी लॉस्ट हो चुकी है, सेल डिवीजन अब नहीं होगा उनमें, उनको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यूज। इनका एक डेफिनेट शेप होगा, साइज होगा, फंक्शन होगा, और इनमें फर्दर डिफ्रेंसीशन नहीं होता है, मतलब ये दूसरे सेल्स में चेंज नहीं होती हैं, ये डिफ्रेंसीटेड सेल्स हैं। ये सेल्स परमानेंट टिश्यू, ये लिविंग भी हो सकती हैं और डेड भी हो सकती हैं। ठीक है,
परमानेंट टिश्यूज़ के दो टाइप्स हैं, पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू बताया आपको, सिंपल परमानेंट टिश्यू वो टिश्यूज़ हैं जिनमें कि सारी सेल्स एक जैसी हों और जिनका सेम फंक्शन हो और सेम टाइप्स ऑफ सेल्स हों, सेम ओरिजिन से हुई हों, अराइज हुई हों, उनको हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। इनको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरल टिश्यूज। पहला हम देखेंगे पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स हैं, इनकी वॉल थिन होती है और इनके बीच में स्पेसेस, जो सेल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस या तो नहीं होते हैं या फिर बहुत कम होते हैं। ये मोस्टली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, ये दूसरे सेल्स में चेंज हो सकती हैं और इनके सेल वॉल पे कोई डिपोजिशन नहीं होता है। सबसे ज़्यादा परमानेंट टिश्यूज़ जो पाई जाती हैं प्लांट में वो जनरली पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं, जो ग्राउंड टिश्यू, जो मेन वेस्कुलर बंडल के अलावा और जो मेन पार्ट्स होते हैं प्लांट के वो इसी टिश्यू के बने होते हैं। लीव, स्टेम, रूट्स, रूट रीजन में जो पल्पी रीजन और बाकी रीजन वेस्कुलर बंडल के अलावा जो होते हैं वो किसके होते हैं, वो पैरेन्काइमा के ही होते हैं। इनका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, साइटोप्लाज्म और वैक्यूल्स इनमें पाए जाते हैं। कुछ स्पेशल टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू हैं जो अडेप्टेशन के वजह से इनमें कुछ फीचर्स चेंज हो जाते हैं, जैसे कि है स्टोरेज परमानेंट टिश्यू, स्टोरेज पैरेन्काइमा सेल्स। स्टोरेज पैरेन्काइमा सेल्स ये अपने वैक्यूल में न्यूट्रिएंट्स और वाटर को स्टोर करती हैं। एरेन्काइमा, जो एक्वेटिक प्लांट्स जो ऊपर तैरते हैं जिनमें बायोन्सी होती है, उनमें पैरेन्काइमा सेल्स में एयर कैविटीज़ पाई जाती हैं जिसमें एयर भर जाती है, जिसकी वजह से ये हल्के हो जाते हैं और ऊपर फ्लोट कर सकते हैं। तो ऐसी पैरेन्काइमा सेल्स जिनमें एयर कैविटीज़ पाई जाती हैं उनको हम कहते हैं एरेन्काइमा। नेक्स्ट है क्लोरेन्काइमा, जो लीफ की सेल्स हैं, जिन लीफ की सेल्स में जहाँ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो ऐसी सेल्स जिनमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो भी कौन सी सेल्स हैं, पैरेन्काइमा सेल्स हैं। लेकिन क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगी और इनको हम क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा। तो ये तीनों स्टोरेज पैरेन्काइमा या एरेन्काइमा और ये पैरेन्काइमा टिश्यूज़ होते हैं, लेकिन कुछ इसमें अडेप्टेशन की वजह से कुछ चेंजेस हो जाते हैं। स्टोर्ड मटेरियल पैरेन्काइमा में क्या हो सकता है, स्टार्च, प्रोटीन, हार्मोन, वेस्ट प्रोडक्ट जैसे गम, टेनिन, रेजिन, ये सारे क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ये स्टोर्ड होते हैं पैरेन्काइमा टिश्यूज़ में। मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होती हैं ये और ये पैकेजिंग मटेरियल बनाती हैं। मैंने बताया कि मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट में कौन सा टिश्यूज़ पाया जाता है, पैरेन्काइमा पाया जाता है। टर्जिडिटी, इसमें वाटर होता है जिसके वजह से सेल्स जो होती हैं वो टर्जिड हो जाती हैं। क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा में क्लोरो होता है जिससे ये मदद करती हैं फोटोसिंथेसिस में। फिर है दूसरे टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू में कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा ये इलॉन्गेटेड सेल्स हैं, नीचे वाला फिगर देखिए कैसी सेल्स हैं, ये लंबी सेल्स हैं। सेल वॉल इसमें पतली होती है लेकिन जो कॉर्नर पोर्शंस होते हैं, ऊपर वाले फिगर में देखिए जो कॉर्नर पोर्शंस हैं, जो एंगुलर रीजन्स हैं, वहाँ पर सेल वॉल थिक होती है। और ये थिक किसके वजह से होती है, थिक होती है सेलुलोज और पैक्टिन के डिपोजिशन से ये थिक होती है, ठीक है। पैरेन्काइमा में ये चीज़ नहीं होती है, पैरेन्काइमा में सेल वॉल केवल सेलुलोज की बनी थी, कोलेन्काइमा में पैक्टिन और सेलुलोज दोनों की बनी है और एंगुलर रीजन्स पे ये थिक होती है। इसमें सेलुलर इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है। ये सेल्स भी लिविंग हैं, पैरेन्काइमा भी लिविंग है और कोलेन्काइमा भी लिविंग है। आगे हम बात करेंगे स्क्लेरेन्काइमा की, वो डेड सेल्स होती हैं। इसमें भी डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, कुछ कोलेन्काइमा सेल्स में क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन मोस्टली क्लोरोफिल
पाया जाता है पेरेन्काइमा सेल्स में। फंक्शंस क्या हैं? क्योंकि ये स्टिफ है तो इनका मेन फंक्शन क्या होगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ये फ्लेक्सिबिलिटी, लीफ का जो नीचे वाला पोर्शन होता है पेटियोल, जो फिलामेंट होता है जिससे कि वो ब्रांचेस से जुड़ी होती है, उसमें जो कोलेनकाइमा रीजन होता है उसकी वजह से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस जो आउटर सरफेस ऑफ प्लांट होता है, जो बाहर का सरफेस होता है, वो होती है एपिडर्मल सेल्स। चाहे वो लीफ पोर्शन, स्टेम पोर्शन, रूट पोर्शन, कोई भी पोर्शन हो, उसका जो बाहर वाली सेल्स होती हैं वो होती हैं एपिडर्मिस। एनिमल सेल्स में, एनिमल बॉडी में हम बात करें तो सबसे बाहर जो स्किन की सेल्स होती हैं वो, उनको कहते हैं हम एपिथीलियल सेल्स। इसी तरह प्लांट में जो बाहर वाली सेल्स होती हैं वो होती हैं एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के नीचे डाइकॉट स्टेम और लीफ में, एपिडर्मिस के नीचे किसमें, डाइकॉट स्टेम और लीफ में, एपिडर्मिस के नीचे कोलेनकाइमा सेल्स पाई जाती हैं, लेकिन केवल किसमें पाई जा रही हैं, डाइकॉट स्टेम में। डाइकॉट रूट में या मोनोकॉट प्लांट में, मोनोकॉट के किसी भी पार्ट में, स्टेम रूट कहीं भी, ये कोलेनकाइमा सेल्स एपिडर्मिस के नीचे नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, ये है स्क्लेरेनकाइमा। तो पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा को बताया था कि ये दोनों लिविंग सेल्स होती हैं। स्क्लेरेनकाइमा कैसी सेल्स हैं? स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल्स हैं। इनका स्ट्रक्चर हम पेरेन्काइमा का स्ट्रक्चर देखे थे, उसका स्ट्रक्चर कैसा था, ओवल, ओवल शेप मेनली होता है और पॉलीगोनल भी हो सकता है। और कोलेनकाइमा का स्ट्रक्चर कैसा था, सिलेंड्रिकल शेप था। स्क्लेरेनकाइमा का शेप कैसा होता है, ये स्पिंडल शेप है। ठीक है, टैपरिंग एंड होते हैं इसमें और इसकी वॉल सबसे मोटी होती है, ये हर जगह से मोटी होती है। कोलेनकाइमा में देखा था कि एंगुलर पॉइंट्स पे मोटी होती है, थिक होती है, लेकिन ये चारों ओर थिक होती है। और इनकी थिकनिंग किसके वजह से होती है, लिग्निन के वजह से होती है। कोलेनकाइमा की थिकनिंग किसके वजह से थी, सेल्यूलोज और पैक्टिन की वजह से थी, और स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन भी प्रेजेंट होता है। इनकी सेल वॉल इतनी थिक हो जाती है कि अंदर का साइटोप्लाज्म धीमे धीमे ख़त्म हो जाता है। इस वजह से ये मेनली डेड सेल्स हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं, ये स्टेम रीजन में वैस्कुलर बंडल के चारों ओर पाई जाती हैं, लीव्स का जो वेन पोर्शन है और जो भी पार्ट खुरदुरा या फाइब्रस होता है उसमें स्क्लेरेनकाइमा सेल्स पाई जाती हैं। जैसे कवरिंग ऑफ सीड है, जो कड़ा पार्ट है वो क्या है, स्क्लेरेनकाइमा है। नट्स की कवरिंग है वो स्क्लेरेनकाइमा है। जो हस्क रीजन है कोकोनट का, स्क्लेरेनकाइमा है। गन्ना, आप गन्ने का जूस पीते हैं तो जूस निकल जाता है, जो उसका फाइब्रस पोर्शन बचा रह जाता है वो क्या है, स्क्लेरेनकाइमा है। तो ये जो डेड पार्ट्स हैं, जो फाइब्रस पार्ट है प्लांट का, ये मेनली कंपोज होता है स्क्लेरेनकाइमा सेल से। तो ये स्टिफ पार्ट है तो ये प्रोवाइड क्या करेगा, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ। थ्री सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं। एपिडर्मिस का अगर स्ट्रक्चर देखें, प्लांट एपिडर्मिस का, तो प्लांट एपिडर्मिस जो होती है वो जनरली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है। ये सेल्स कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, चिपटे होते हैं और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। एपिडर्मिस का जो बाहर का पार्ट होता है ये वैक्सी होता है। ये एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं वैक्सी सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं जिससे कि ये वाटर इस पर चिपक नहीं पाता है। प्लांट पे देखिए कभी वाटर स्टिक नहीं करता है, वो गिर जाता है। गिर इस वजह से जाता है क्योंकि ऊपर की कवरिंग जो होती है वो वैक्सी सब्सटेंस की होती है, और इसके वजह से, इस वैक्सी सब्सटेंस के वजह से मैकेनिकल इंजरी से भी प्लांट को बचाता है और पैरासाइट से भी प्लांट को कुछ हद तक बचाता है। बहुत से प्लांट्स जो डेजर्ट प्लांट्स, ज़ेरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, उनमें ये वैक्सी सब्सटेंस बहुत थिक होता है और इसमें क्यूटिन नाम का केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है जिससे कि ट्रांसपिरेशन की रेट बहुत कम हो जाती है। लॉस ऑफ वाटर को कम करने के लिए ये ऊपर की कोटिंग, क्यूटिन की लेयर, जो वैक्सी सब्सटेंस की लेयर है, ये
थिक हो जाती है। एपिडर्मिस में ही पोर्स पाए जाते हैं जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। पता है आपको स्टोमेटा में का पोर जो है वो दो सेल्स से घिरा होता है जिसे कहते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। रूट में जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं वो कुछ लंबी हो जाती हैं, फाइब्रस होती हैं, लंबी हो जाती हैं, जो क्या बनाती हैं रूट हेयर। इसका फ़ायदा क्या है रूट हेयर बनाने का? फ़ायदा ये है जब रूट हेयर बन गया, अगर वो सीधी है तो उसमें सरफेस एरिया कम होगा, लेकिन जब वो हेयर फॉर्म में बन गई तो क्या होगा उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और रूट का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन। तो जितना ज़्यादा सरफेस मिलेगा एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। तो यही एपिडर्मल सेल्स ये इलॉन्गेट हो जाती हैं और हेयर लाइक बना लेती हैं जिन्हें हम रूट हेयर कहते हैं। जब प्लांट बड़ा होता है, ओल्डर होता है, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम रिप्लेस कर देती हैं एपिडर्मिस को और यहाँ पर थिक लेयर बन जाती है कॉर्क की। जैसे ट्रीज़ में देखा हुआ जो छाल होती है, ब्राउन कलर की जो छाल होती है उसको क्या कहते हैं? बार्क कहते हैं। ये किसकी वजह से होता है? सेकेंडरी मेरिस्टमेटिक ग्रोथ की वजह से ये मल्टी लेयर्स, मल्टी सेल लेयर में ये बना लेता है जिसको हम कहते हैं बार्क। और इनकी सेल्स क्या कहलाती हैं? कॉर्क सेल्स। ये कॉर्क सेल्स डेड होती हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं। इन सेल्स में सुबेरिन नाम का केमिकल पाया जाता है जिससे कि ये गैसेस और वाटर के एक्सचेंज को रोकती हैं, क्योंकि ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं। बीच बीच में, इनके बीच बीच में कुछ पोर्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं? लेंटी सेल्स, जिससे इनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, लेकिन सेल्स कॉम्पैक्टली आता है एपिडर्मिस। फिर आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ मतलब वो टिश्यूज़ जिसमें एक से ज़्यादा टाइप्स की सेल्स हों उसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं। ये सारी सेल्स मिलके एक फंक्शन को करती हैं। इसके दो हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ में दो ही हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ये दोनों कैसे हैं? कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं जो मटीरियल को ट्रांसफ़र करते हैं और ये वैस्कुलर बंडल बनाते हैं। पहले हम देखेंगे जाइलम। जाइलम में फोर टाइप्स की सेल्स हैं, ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ट्रैकीड्स का फिगर पहला देखिए, इसका एंड नुकीला होता है। वेसल्स सिलेंड्रिकल शेप होते हैं। ये दोनों ट्रैकीड और वेसल ये ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। कौन से मटेरियल ट्रांसपोर्ट होगा जाइलम से? जो सॉयल से एब्जॉर्ब होगा, वाटर और मिनरल। वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होगा ट्रैकीड और वेसल्स से। इनके इन सेल्स पे पोर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? पिट्स कहते हैं। इसके अलावा दो सेल्स और होती हैं, पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। जाइलम में जो पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं, जो नॉर्मल पेरेन्काइमा सेल्स जो जाइलम में प्रेजेंट होती हैं, उनको हम जाइलम पेरेन्काइमा कह देते हैं। तो पेरेन्काइमा का काम क्या है? पेरेन्काइमा का काम जो होता है वही जाइलम पेरेन्काइमा का काम होगा। वो फूड को स्टोर करेगा और इसके साथ ये साइड वेज कंडक्शन ऑफ वाटर भी करता है। फाइबर या स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा ही फाइबर्स होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा जो जाइलम में प्रेजेंट है उनको हम जाइलम फाइबर्स कहते हैं। इनका रोल भी यहाँ पर वही है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये चारों सेल्स जो हैं इसमें से एक सेल लिविंग है और बाकी तीन सेल्स डेड हैं। केवल जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग है और इस अदर और बाकी जो हैं ट्रैकीड्स, वेसल और फाइबर्स, ये तीनों डेड सेल्स होती हैं। फ्लोएम से किसका ट्रांसपोर्ट होता है? फ्लोएम जो फोटोसिंथेसिस के से जो फूड बनता है उस फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम से होता है। फ्लोएम में फोर टाइप्स के एलिमेंट हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। सीव ट्यूब्स फिगर में देखिए, सीव ट्यूब्स
सीव ट्यूब्स आप देखेंगे, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ट्रांसपोर्ट सीव ट्यूब से होता है। सीव ट्यूब्स के एंड पे प्लेट जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं सीव प्लेट। इसको सीव प्लेट इसलिए कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर छलनी की तरह होता है, मतलब इसमें छेद होते हैं, सीव्स होते हैं, इसलिए इसको सीव प्लेट कहते हैं। और इसकी जो ट्यूब है इसको सीव ट्यूब कहते हैं। इसी से फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन जाइलम में जैसे ट्रांसपोर्ट वाटर और मिनरल का हमेशा रूट से स्टेम की तरफ होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन बाय डायरेक्शनल होता है, नीचे से ऊपर भी होगा और ऊपर से नीचे भी होगा, साइडवेज भी होगा। इसके अलावा दूसरी सेल्स कौन सी हैं? कंपेनियन सेल्स हैं। कंपेनियन सेल्स जो सीव ट्यूब के बगल में पाई जाती हैं, ये लोडिंग और अनलोडिंग का काम करती हैं, मतलब फूड मटेरियल को ये लेती हैं सीव ट्यूब से और दूसरे सेल्स में डिफ्यूजन के थ्रू पहुंचाती हैं। नेक्स्ट फ्लोएम पेरेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर्स, इसका भी वही रोल है जैसे जाइलम में होता है। फ्लोएम पेरेनकाइमा का काम क्या है? स्टोर करना फूड को। और फ्लोएम फाइबर्स का काम क्या होगा? फ्लोएम फाइबर्स का काम होगा मैकेनिकल स्ट्रेंथ पहुंचाना। तो ये फोर टाइप्स की सेल्स हैं। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि इसमें तीन सेल्स लिविंग हैं और एक सेल डेड है। जाइलम ने हमें क्या पढ़ा था? उसमें एक सेल लिविंग थी और तीन डेड थी। जाइलम पेरेनकाइमा केवल लिविंग था, बाकी तीन डेड थी। इसमें केवल फ्लोएम फाइबर्स डेड हैं और बाकी तीनों सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पेरेनकाइमा ये लिविंग हैं। ठीक है, तो ये हो, ठीक है, यहाँ पे आपका प्लांट टिश्यू चैप्टर ओवर हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यूज़ में भी एक लंबा क्लासिफिकेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ आराम से मिलती रहें। तब तक के लिए।